स्पून विद फोर्क में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो आपने इंडियन स्वीट्स बहुत खाई होगी, आज हम कुछ अलग बनाते हैं। आज हम बनाएंगे स्पेनिश मिठाई। इसे कहा जाता है चुरोस। इसे गर्मा गर्म सर्व किया जाता है चॉकलेट डिप के साथ और इसे बनाना बहुत सिंपल है। चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने एक पॉट लिया है। पॉट में एक कप पानी ऐड करूंगी, उसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून चीनी ऐड करूंगी और फिर 1 टेबलस्पून बटर। इसे हमें हाई फ्लेम पे पकाना है जब तक सारी चीजें अच्छी तरह से बैठ ना हो जाए और इसमें उबाल ना आ जाए। उबाल आने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 100 ग्राम मैदा, ये लगभग आधा कप है, और गैस की फ्लेम हम कर देंगे ऑफ। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ध्यान रखें इसमें लम्स ना हो। इसे हमें लगातार मिलाते रहना है। एट द एंड ये इस तरह से डो के शेप में बन जाएगा और ये काफी सॉफ्ट होता है। जनरली इसे पाइपिंग बैग यूज करके बनाया जाता है, नोजल यूज करके। सो आज हम ट्राई करेंगे इसे बिना पाइपिंग बैग के बनाना। सो इसका हम छोटा सा पोर्शन ले लेंगे। इसे हम हाथों की मदद से पतला और लंबा कर लेंगे इस तरह से। बस इसी तरह से हमें बाकी के सारे चुरोस बना लेने हैं। चुरोस बनके तैयार है। अब इसे हम थोड़ा सा ट्राई करेंगे चुरोस का शेप देने के लिए। सो यहाँ मैंने टूथपिक लिया है, उस पे मैं तेल लगाऊंगी और इस तरह से हल्के हाथ से प्रेस करते हुए इसे मार्क करूंगी और शेप देने की कोशिश करेंगे। अब देख सकते हैं इस पे शेप आ गया है। अब दूसरी साइड से भी इसे हम सेम प्रोसेस में रिपीट करेंगे। इसी तरह हम बाकी के भी सारे चुरोस में शेप दे देंगे। चुरोस में मैंने शेप दे दिया है। अब इसे हम डीप फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने तेल ऑलरेडी रख दिया था गर्म होने के लिए। तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब गैस की फ्लेम हम लो कर देंगे और इसमें हम एक एक करके चुरोस ऐड करेंगे। एक साथ हम बहुत सारे नहीं ऐड करेंगे क्योंकि ये आपस में स्टिक हो जाएंगे। पहले हमें इसे लो फ्लेम पे पकाना है। जब ये इस तरह से ऊपर आ जाएगा तब गैस की फ्लेम हमें मीडियम पे रखनी है और इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। इसे हाई फ्लेम पे ना पकाएं वरना ये ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। ये काफी अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गए हैं और गोल्डन ब्राउन भी हो गए हैं। इसे हम निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है पाउडर्ड शुगर, ये लगभग आधा कप है, और इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून दालचीनी का पाउडर। इसे कर लेंगे अच्छी तरह से हम मिक्स। इसमें हम सारी चुरोस को अच्छी तरह से रोल कर लेंगे। इसी तरह सारी चुरोस हम रोल कर लेंगे पाउडर शुगर में। इसे आप इस तरह भी सर्व कर सकते हैं। अब हम चॉकलेट सिरप तैयार कर लेंगे। ये वही पाउडर शुगर है जिसमें हमने चुरोस रोल किया था, वो ऐड करेंगे। इसमें हम मिलाएंगे 1 टेबलस्पून कोको पाउडर और 2 टेबलस्पून मिलाएंगे इसमें हम मिल्क। सारी चीजों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इसे अब हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे जब तक ये थोड़ा सा थिक ना हो जाए। चॉकलेट सिरप भी हमारा तैयार है, थिक हो चुका है।
अब हम चूरोस को गर्मा गर्म सर्व करेंगे चॉकलेट टिप के साथ। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे चैनल की अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।